लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर था जेनेटिक्स वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अगला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुपिंग। इस चैप्टर की बात हम लोग करेंगे, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुपिंग। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सभी के शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें किसी भी डिजीज से, बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। इस सिस्टम को हम लोग इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारा शरीर किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, इसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। हमारे साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसे हम लोग कहेंगे पैथोजन, पैथोजन किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस साइंस की ब्रांच को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो किसी भी इंसान के अंदर ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, ये दो टाइप का होता है। दो टाइप के हमारे पास में डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम होता है। पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसे हम लोग कहते हैं इननेट, INNATE, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये वो इम्यून सिस्टम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, बचपन से। मतलब बाहर से आपको इस इम्यून सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में बचपन से अंदर ही रहता है। अंदरूनी जो इम्यून सिस्टम है वो है आपका इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। इस डिफेंस मैकेनिज्म को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करते। ये डिफेंस मैकेनिज्म हर नॉर्मल, हर एक पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो काम करता है। इस वजह से ये स्पेसिफिकली किसी एक के अगेंस्ट काम नहीं करता, सबके अगेंस्ट काम करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये जनरली हमारी बॉडी में पैथोजेंस जो है उसकी एंट्री को रोकता है, ब्लॉक करता है। जैसे कि जुखाम, जुखाम में जो नाक है उसमें म्यूकस ज्यादा रिलीज किया जाता है ताकि बाहर से आने वाले और इन्फेक्शियस वायरस को रोका जा सके, ब्लॉक किया जा सके। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक के अगेंस्ट काम नहीं करता। इसमें हम लोग चार टाइप के बैरियर्स या फैक्टर्स देखते हैं जिन पर ये मैकेनिज्म बेस्ड रहती है, जिनकी हेल्प से ये मैकेनिज्म काम करती है। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब इन्फेक्शन को फिजिकली रोका जा सके। जैसे हमारे जो नोज है उसमें हेयर्स, सीलिया, फ्लेजला या म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पाई जाती है, जो कि बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स, बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकते हैं, सीधा सीधा रोक देते हैं। जैसे कि आपको खांसी जुकाम हो जाता है या छींक आने लग जाती है बाहर से। बहुत बार ऐसा होता है जब इन्फेक्शियस वायरस वगैरह आते हैं, तब हमारी बॉडी में इस तरीके से हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है कि छींक वगैरह की हेल्प से हम लोग जो है
उसको जैसे ही जस्ट वो एंटर करता है उसे बॉडी से वापस बाहर फेंक देते हैं। दूसरा है केमिकल बैरियर, जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ये बहुत खतरनाक केमिकल है, एक एसिड है जो कि अगर खाने के साथ में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्टमक में चला जाए तो ये उसको भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। या इसी तरीके से जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं स्पेशली फीमेल्स के अंदर वजाइना जो है, इसमें भी कंटिन्यूअसली एसिड रिलीज होता है ताकि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। तीसरा है सेल्यूलर बैरियर, हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जैसे जिनका नाम है मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बाहर से आए हुए पैथोजन को डायरेक्ट एनगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं, निगल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल्स। तो इस वजह से इस बैरियर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर बैरियर। और चौथा जो है बच्चों वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का हम लोग एक बार मतलब समझ सकते हैं सूजन, कहीं पर चोट वगैरह लगती है, कोई घाव हो जाता है तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो घाव है वो ओपन होता है तो बाहर से डायरेक्टली ब्लड में कोई भी पैथोजन जो है वो एंटर कर सकता है, पर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन के कारण जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उन पर प्रेशर लगता है, प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाने का फायदा हमें ये पहुंचता है कि उन वेसल्स में अभी ब्लड फ्लो नहीं करेगा और बाहर से आया हुआ पैथोजन ब्लड के थ्रू हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमने देखा बच्चों इननेट डिफेंस मैकेनिज्म जो कि किसी भी इंडिविजुअल में बाय बर्थ बचपन से मौजूद होती है, नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर एक टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। दूसरा है जो डिफेंस सिस्टम है उसे आप एक्वायर डिफेंस सिस्टम, एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो सिस्टम है या वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जो बचपन से किसी इंडिविजुअल में नहीं होता, अपनी लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ये डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिकली गिने चुने पैथोजेंस के अगेंस्ट ही काम करता है, इस वजह से इस डिफेंस सिस्टम को हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इस इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट्स, WBC जो है हमारे लिम्फोसाइट जो हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले ये अपने नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे ही किसी बीमारी का हमला हम पर होता है ये अपने नंबर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं और ये बनाते जाते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बाहर से आए हुए माइक्रोब को निगल जा देती हैं या फिर उसे मार देती हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके दो टाइप की है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे शरीर की खुद की इम्यूनिटी को बोलते हैं जो कि शरीर अपने आप तैयार करता है। दूसरा पैसिव इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी है जो हमारा शरीर अपने आप तैयार नहीं करता, ये हमें बाहर से, बॉडी के बाहर से लेनी पड़ती है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है वैक्सीनाइजेशन। वैक्सीनाइजेशन में कोई पैथोजन या तो डेड फॉर्म में मरा हुआ या फिर बहुत वीक, बहुत कमजोर जब होता है तब उसे हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसके अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और जब और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। और जब भविष्य में यही पैथोजन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम पर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में ये एंटीबॉडीज पहले से तैयार होंगी, हमारा जो बॉडी है वो प्रिपेयर्ड रहेगा और जब इस पैथोजन का अटैक होगा तो ये बड़ी आसानी से हमारी एंटीबॉडीज उस पैथोजन को हरा देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी और हमारी बॉडी जो है वो बच जाएगी अफेक्ट होने से, बॉडी अफेक्ट होने से बच जाएगी। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा हमारे
डिफेंस मैकेनिज्म का, डिफेंस सिस्टम का। डिटेल में हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, बात करनी है, वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटी का मतलब, एंटीजन सबसे पहले बात करें तो इसमें एंटी का मतलब है एंटीबॉडी और जन का मतलब है जनरेटिंग। जन का मतलब है जनरेटिंग। तो एक ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज के जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बने, उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। तो कोई भी फॉरेन मैटर विच एंटर्स इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन, इज कॉल्ड एंटीजन विच स्टिमुलेट आर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरीके से ट्रीट करे कि हमारा इम्यून सिस्टम उस एजेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू कर दे, तब हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीजन। हमारे शरीर में अरे भाई, विवेक का कहना है कि मेरी आवाज साफ नहीं है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। बाकी सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही आवाज? अरे भैया विवेक, क्लियर है? और ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है हमेशा? हाँ जी, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट्स ही रिलीज कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं बीटा सेल्स। आपको बुक में दिखाई देगा बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स दो तरीके से काम करते हैं, या तो ये एंटीबॉडीज को रिलीज करेंगे और ये एंटीबॉडीज जाकर के एंटीजन से जुड़ जाती है, मतलब एंटीजन को बांध लेती है और एंटीजन को कहीं मूव करने नहीं देती, और दूसरे लिम्फोसाइट्स आकर के इस एंटीबॉडी को निगल जाते हैं या इसे मार देते हैं। या तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन को बांध लेंगी अपने साथ, या फिर दूसरे लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीजन को आकर के मार देंगे या फिर निकल जाएंगे। तो इन दो तरीकों से हमारे शरीर में जो है हमारे बीटा सेल्स इस तरीके से दो फॉर्म में काम करते हैं। एंटीजन्स की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगी? एंटीजन्स आर फॉरेन टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब होता है पॉइजनस, पॉइजनस सब्सटेंसेस विच हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6,000 डाल्टन, जिनका वेट मोलर मास 6,000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये या तो प्रोटीन्स के बने होते हैं, या शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, या ये लिपिड्स के बने होते हैं, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए इनसे बने होते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं एंटीजन। हर एंटीजन के ऊपर कुछ एक्टिव एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइट्स, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब पूरे एंटीजन को देख करके एंटीबॉडी नहीं बनती, सिर्फ एंटीजन की एक्टिव साइट्स को ध्यान में रखते हुए एंटीबॉडी बनती है। और इन एक्टिव साइट्स को देखिए क्या कहते हैं, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, या आपको बोल्ड लेटर्स में वर्ड मिल जाएगा एपिटोप। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है ये 1 मार्क के लिए, एपिटोप। एपिटोप एंटीजन का वो हिस्सा है जो कि एंटीबॉडी से कनेक्ट होता है। तो 4 स्टेप में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। पहला जो स्टेप है वो है कि बाहर से जो एंटीजन आया है वो, और शरीर के अंदर कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया है जो कि एंटीजन का काम करे वो, इन दोनों में अंतर पहचानना, कि कहीं ऐसा ना हो शरीर अपने ही सेल को मार दे।
तो अपने सेल में और बाहर के सेल में अंतर पहचानना। सेकंड, दूसरा, जैसे ही अंतर पहचान में आ जाता है, जो बीटा लिम्फोसाइट सेल है हमारे शरीर के, बीटा लिम्फोसाइट्स, ये ब्लड प्लाज्मा जो है उसको बनाने लगते हैं, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा रेस्पॉन्सिबल होती है लिक्विड स्टेट के लिए, और कोई भी चीज हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड स्टेट में ब्लड की हेल्प से ही जा सकती है। तो बीटा लिम्फोसाइट जो है वो ब्लड प्लाज्मा बनाते हैं, और ये ब्लड प्लाज्मा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटोप, इसके शेप और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए थर्ड स्टेप को परफॉर्म करती है, जो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये बीटा लिम्फोसाइट्स का जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा जो है, ये एपिटोप को ध्यान में रखते हुए क्या बनाती है, एंटीबॉडी। बच्चों, एपिटोप को आप एक तरह से समझ सकते हो लॉक एंड की, जैसे चाबी और ताला होता है, एक चाबी स्पेसिफिक की ही एक लॉक में फिट हो सकती है, क्योंकि उन दोनों की शेप और स्ट्रक्चर इस तरीके से बने होते हैं कि ये एक दूसरे से बंध जाएं, एक दूसरे में फिट हो जाएं। सेम इसी तरीके से एपिटोप अगर ताला है, तो एंटीबॉडी जो बनने वाली है वो चाबी है। तो ये इस तरीके से बनेंगी कि ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएं, ताकि बड़ी आसानी से एंटीबॉडी एंटीजन को बांध सके। और चौथी स्टेप है, एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ जाएगी, और आपके जो दूसरे लिम्फोसाइट सेल हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स के अलावा दूसरे लिम्फोसाइट होते हैं एक टी लिम्फोसाइट, ये सेल्स आकर के उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एंटीबॉडी उसको बांध लेगी, कहीं भी इधर उधर हिलने नहीं देगी, कहीं जाने नहीं देगी, और हमारे दूसरे जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो आकर के इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसे चार स्टेप में हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। तो ये तो हमने समझा एंटीजन, आपको ये चार स्टेप पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एंटीजन क्या है, और आपको पता होना चाहिए एपिटोप या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट किसे कहते हैं। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है डिटेल में जो हमें करनी है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसका एक और नाम है, ये नाम आपको मिल जाएगा, इम्यूनो ग्लोबिन, IG, इन इम्यूनो ग्लोबिन, क्योंकि ये स्पेशल प्रोटीन गामा ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, इस वजह से इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। एंटीबॉडीज, जैसे एंटीजन में एक हिस्सा था एपिटोप, जो कि किससे जुड़ता था, एंटीबॉडी से, ऐसे ही एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन से जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं पैराटोप। दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एपिटोप और पैराटोप। एपिटोप तो एंटीजन का पार्ट है जो किससे जुड़ेगा, एंटीबॉडी से, और एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन से जुड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पैराटोप। एक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिखने में कोई एंटीबॉडी अल्फाबेट वाई, जो वाई अल्फाबेट है, उसके शेप का एक स्ट्रक्चर है, जो कि चार पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन की चेन्स, चार प्रोटीन की चेन से बना होता है, जिसमें से दो प्रोटीन की चेन लंबी होती हैं और हैवी होती हैं, इन्हें हैवी चेन्स बोलते हैं, और दो चेन जो हैं वो हल्की लाइट होती हैं और छोटी होती हैं, इन्हें हम लोग लाइट चेन्स बोलते हैं। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, दो तो लंबी चेन है जिन्हें हैवी चेन कहा गया है, दो छोटी चेन है जिन्हें लाइट चेन कहा गया है। हैवी और लाइट चेन आपस में जुड़ी होती हैं एक स्पेशल बॉन्ड से, जिसको बोलते हैं डायसल्फाइड बॉन्ड, जिसमें दो सल्फर आपस में जोड़े रखते हैं इन दोनों हैवी चेन्स और लाइट चेन्स को। हैवी चेन जो है बच्चों, वो 440, 440 अमाइनो एसिड्स से बनी होती है, और क्योंकि लाइट चेन हैवी चेन का जस्ट आधा होती है, तो ये बनी होती है लाइट चेन 220 अमाइनो एसिड से।
किसी भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं वेरिएबल पार्ट या वेरिएबल पोर्शन, एक को बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट या फिर कांस्टेंट पोर्शन। ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये सारे के सारे एंटीबॉडीज में एक जैसा होता है, फिक्स होता है, और जबकि ये जो वेरिएबल पार्ट है ये सब में अलग अलग होता है, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट जो है ये एंटीजन के अकॉर्डिंग बनता है। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो रेड मार्कर से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो वेरिएबल पार्ट है, ब्लैक मार्कर से जो बनाया है वो सारा का सारा कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट जो है इसके लास्ट में एंड में जो ग्रुप मौजूद होता है वो होता है COOH ग्रुप, COOH ग्रुप। और वेरिएबल पार्ट के लास्ट में एंड में जो ग्रुप मौजूद होता है वो ग्रुप होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप। और जबकि कांस्टेंट पार्ट में ये जो ग्रुप होता है ये होता है COOH ग्रुप। आप देख रहे हैं वेरिएबल पार्ट्स में कुछ आपको डिप्रेशंस, उभार, ऊबड़ खाबड़ जगह नजर आ रही होगी। यही ऊबड़ खाबड़ जगह जो है बच्चों पैराटोप कहलाती है, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी पैराटोप से एंटीजन को पकड़ा जाता है। देखो आप एक चिमटे की तरह ये स्ट्रक्चर काम करता है जो कि एंटीजन को अपने पैराटोप से क्या कर लेता है, बांध लेता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रहे। इस चैप्टर में तक छोटे क्वेश्चंस ही बनते थे, अब जब आपका नया सिलेबस आएगा तब उसमें हम लोग देखते हैं कितने पार्ट, कितना पार्ट हट गया है या आपका कौन कौन चैप्टर हटे हैं। कुछ हिस्सा अगर कुछ सिलेबस कम होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं एक चैप्टर में वो बढ़ सकते हैं, ब्लूप्रिंट से वो क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन है, इसके बेसिस पर पांच टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन होता है अल्फा प्रोटीन, गामा प्रोटीन, डेल्टा प्रोटीन, एप्साइलन प्रोटीन या म्यू प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन मौजूद है, इस बेसिस पर पांच टाइप के एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो एंटीबॉडी है उसको बोलते हैं IgG। IgG का मतलब तो इम्यूनोग्लोबिन है और जी यहाँ टाइप जो है। IgG के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है गामा, इसमें मौजूद होता है गामा प्रोटीन। सबसे ज्यादा जो नंबर, जो मात्रा हमारे खून में जिस इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी की होती है वो है IgG। ये IgG दो लाइट और दो हेवी चेन्स का बना है जिनमें टोटल 20 से 25 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं। IgG का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेसेंटा, मैंने समझाया था प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जिससे फीटस जो ग्रोइंग बेबी है वो मदर के यूटेरस से जुड़ जाता है। तो ये IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, क्रॉस करने का मतलब है मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में जा सकती हैं और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो डेवलपिंग फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम है IgG। दूसरी इम्यूनोग्लोबिन है आपके IgM। ये साइज में लार्जेस्ट, इनका साइज सबसे बड़ा होता है और ये हमारे प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स से जुड़े हुए हैं। जो रेस्पॉन्स सबसे पहले इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, चाहे स्नीजिंग हो, कफिंग हो, इन सब में IgM जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पूरे ब्लड सीरम, ब्लड सीरम का मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर ब्लड का लिया जाए तो उसमें 10% IgM ही होंगे। तीसरा IgA, ये जनरली पाया जाता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो कि फर्स्ट मिल्क, किसी मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है अपने बेबी के लिए उसमें पाया जाता है। आपने सुना होगा कि फर्स्ट मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।
क्योंकि इसमें मौजूद होता है IgA, जो कि जनरली रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स और जो एलिमेंट्री कैनाल है इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी इंफेक्शन से। चौथा इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है IgE। अच्छा, IgM में म्यू प्रोटीन होगा, IgA के अंदर अल्फा प्रोटीन होगा, IgE के अंदर एप्साइलन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ये जो आपका IgE है ये जुड़ा हुआ होता है एलर्जी, ये एलर्जी से जुड़ा हुआ रहता है। एलर्जी में भी क्या होता है, एक टाइप का रेस्पॉन्स ही होता है कि मान लो आपको किसी इंसेक्ट से या किसी फ्रूट से एलर्जी है तो फ्रूट खाने पर आपकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, तो ये एक तरीका रेस्पॉन्स ही तो है आपके शरीर में। जैसे वो फ्रूट गया, आपका शरीर आपको बता रहा है कि ये फ्रूट तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, और वो रेस्पॉन्स जिस फॉर्म में दे रहा है वो रैशेज के फॉर्म में दे रहा है। तो ये रैशेज हुए होंगे जरूर किसकी वजह से, IgE की वजह से। तो जनरली जो दवाई उस केस में ली जाएगी एलर्जी के केस में, वो ऐसी दवाई होगी जो कि IgE की एक्टिविटी को सप्रेस कर दे, रोक दे। पांचवी और आखिरी जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी है वो है IgD, जिसमें डेल्टा प्रोटीन पाया जाता है। IgD का काम होता है बीटा सेल्स को एक्टिवेट करना। बीटा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज ये वाली बीटा सेल तभी बनाएंगे जब IgD बीटा सेल्स को अलाउ करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि अब उसे एक्टिव हो जाना चाहिए और बाकी दूसरी एंटीबॉडीज बनानी चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ब्रीफ आपके एक्सप्लेनेशन थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज। ज्यादा कुछ है नहीं, आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है ब्लड एंड ब्लड ग्रुपिंग। ये बच्चों जो ब्लड ग्रुपिंग है, एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे RBC के ऊपर कुछ प्रोटीन्स एंटीजन्स होते हैं, उसके बेसिस पर हमारे ब्लड की ग्रुपिंग की जाती है। अगर एंटीजन कैपिटल ए हुआ तो ब्लड ग्रुप होता है ए, और जिस ह्यूमन में एंटीजन ए होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी पाई जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी अगर ए होगी तो वो एंटीजन ए को मार देगी, ब्लड जो है वो जम जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका एंटीजन बी पाया जा रहा है RBC के ऊपर, तो इसका ब्लड ग्रुप होता है बी और इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं ए। अगर ए और बी दोनों एंटीजन्स RBC के ऊपर पाए जाते हैं तो इस केस में ब्लड ग्रुप तो होता है ए बी और कोई एंटीबॉडी पाई नहीं जाती, और अगर कोई एंटीजन ही नहीं है RBC पर तो इस केस में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ओ, और इस ब्लड में दोनों टाइप की एंटीबॉडीज ए और बी जो है वो पाई जाएंगी। इसके अलावा RH ग्रुपिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। RH फैक्टर नाम का एक और प्रोटीन होता है जो कि अगर RBC के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे ब्लड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, RH पॉजिटिव ब्लड, और अगर मौजूद ना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं RH नेगेटिव ब्लड। ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ब्लड ग्रुप ओ, ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीजन ही नहीं है। और ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है क्योंकि ये किसी से भी ब्लड जो है उसे गेन कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही टाइप की एंटीजन्स ए और बी जो है वो पाए जाते हैं। RH फैक्टर के बारे में एक अलग से टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे इस RH का पूरा नाम रिहेसियस है। लगभग 417 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ एक प्रोटीन होता है जो कि सबसे पहले मकाका रिहेसियस नाम के मंकी बंदर में देखा गया था। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव को या RH नेगेटिव का RH पॉजिटिव को, तो इस केस में जो ब्लड है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस बिली रूबिन, ये आपको मिल जाएगा, बिली रूबिन नाम
बिलीरुबिन बनाता है, और ये बिलीरुबिन जो है ये सबसे पहले हमारे लिवर और किडनीज इन्हें फेल कर देता है, और बहुत जल्दी बहुत फास्टर रेट से हमारा ब्लड जो है उसका एक ग्लूटिनेशन, मतलब ब्लड का थक्का जमना, जैसे घाव हो जाता है और अचानक से उसके ऊपर ब्लड फ्लो करने लगे, पर देखोगे कि अपने आप ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड जो है बहने से रुक जाता है। तो इसी तरीके से ब्लड आपका एग्लूटिनेट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, ब्लड अगर सॉलिडिफाई हो गया तो ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और ब्लड की हेल्प से जो बाकी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट की जा रही थी बॉडी में वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी, और अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी। एक स्पेसिफिक कंडीशन यहां मेंशन किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक डायग्राम भी आपकी बॉडी में दिया होगा, इसको समझिए। अगर मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और उसका जो फीटस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, मदर तो आरएच नेगेटिव और फीटस आरएच पॉजिटिव, तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त कुछ ब्लड सेल्स फीटस से मदर के ब्लड में आ जाए। कहने का मतलब ये, आरएच पॉजिटिव सेल्स या प्रोटीन जो है वो मदर के ब्लड में आ जाए, तो मदर का ब्लड तो आरएच नेगेटिव है, तो ये आरएच पॉजिटिव मदर के ब्लड के लिए एंटीजन हो है, बाहर से आई हुई चीज है, एंटीजन है, तो मदर का ब्लड जो है वो तुरंत इस आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, और ये एंटीबॉडी हमारे जो मदर है उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर ये एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में बहुत लंबे समय तक रहेंगी, ये एंटीबॉडीज आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट है। अब मान लो इसी मदर को, इसी फीमेल को, लेडी को सेकंड प्रेगनेंसी हुई, और सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है, जो बेबी है, वो आरएच प्लस पॉजिटिव ही है, आरएच पॉजिटिव ही है, तो हो सकता है डिलीवरी के टाइम जैसे फीटस से कुछ ब्लड मदर में आ गया था, वैसे ही मदर से कुछ ब्लड फीटस में चला जाए। तो मदर जिसके ब्लड में एंटीबॉडीज है आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो चली गई फीटस के अंदर, और फीटस जो आरएच पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज उस फीटस के सारे ब्लड को कोगुलेट कर देंगी, और इस केस में जो सेकंड चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाएगी। इसी कंडीशन को नाम दिया जाता है एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये ऐसी कंडीशन फ्यूचर में सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को ना हो, इस वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, फर्स्ट फीटस की डिलीवरी से पहले एक एंटीबॉडी दी जाती है मदर को, जिसका नाम है रोहगम, RHOGAM, रोहगम। ये रोहगम जो है ये सीधा जाकर के आरएच एंटीजन से जुड़ जाता है, और हमारे बॉडी के लिए इस आरएच एंटीजन को, जो बेबी से आरएच एंटीजन आया था, इस आरएच एंटीजन को हमारी बॉडी के लिए गायब कर देता है एकदम, मतलब जैसे आया ही नहीं, है तो शरीर में पर जाकर के एंटीजन से ऐसे जुड़ गया कि हमारा शरीर पहचान नहीं पाता कि ये एंटीजन है। जब पहचान नहीं पाता तो हमारा शरीर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी जो है उसे जनरेट नहीं करता। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पर आ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकता, पर रोहगम जो है वो बहुत बहुत कॉमन, बहुत छोटा आंसर है आपका, एक शब्द का आंसर है, ये बड़ी आसानी से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। रोहगम क्या है? रोहगम एक टाइप की एंटीबॉडी है जिसे फर्स्ट डिलीवरी से पहले आरएच नेगेटिव मदर को दिया जाता है, ताकि बेबी से, फीटस से आने वाले आरएच पॉजिटिव एंटीजन जो हैं उन्हें बॉडी के लिए, मदर बॉडी के लिए जो है
नेगलेक्ट किया जा सके, ठीक है, या हाइड किया जा सके, उन्हें हम लोग, उस एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं रोहकम। बच्चों ब्लड ग्रुपिंग हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर तो पहले भी पढ़ी है, अभी भी पढ़ी। इसके अलावा जैसा हमें पता है कि हर करेक्टर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग एलील्स या जीन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक जीन में दो एलील होते हैं। अगर इन एलील्स को हम लोग आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ये एलील्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर दोनों एलील्स हुए आई ए, तो इस केस में ब्लड ग्रुप होगा ए। या एक एलील हुआ आई ए और दूसरा सिर्फ आई, तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि ए डोमिनेंट हो गया। तो जो आई ए है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, जबकि आई ए आई है हेटेरोजाइगस। ऐसे ही अगर आई बी ये जीन हुए तो ब्लड ग्रुप होगा बी, या आई बी आई ये हुआ तब भी ब्लड ग्रुप होगा बी। बस कंडीशन ये है, आई बी तो होमोजाइगस है और आई बी आई हेटेरोजाइगस है। पर अगर आई ए और आई बी दोनों मौजूद हुए, तो इस केस में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं और ब्लड ग्रुप जो है वो हो जाता है ए बी। तो इस केस में ब्लड ग्रुप आता है ए बी। और अगर दोनों के दोनों एलील्स आपके आई आई हैं, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप आता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ओ। मैंने एक छोटा सा क्रॉस आपके सामने बनाया है, एक पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, दूसरा पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, इन दोनों का मैंने क्रॉस करवाया। तो सबसे पहले तो मैंने गैमेट्स बनाए, आई ए आई बी से दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक आई ए और एक आई बी, जबकि आई आई से दोनों गैमेट एक जैसे बनेंगे। अब मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ, चारों पॉसिबिलिटीज क्रॉस करा करके, पहली पॉसिबिलिटी आई ए आई, इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी आई ए आई, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी आई बी आई, इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और चौथी पॉसिबिलिटी भी आई बी आई, इसका भी ब्लड ग्रुप बी होगा। मतलब यहाँ जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:2, मतलब चार में से दो बच्चों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है और दो का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। पर कोई इनमें से प्योर होमोजाइगस नहीं होगा। प्योर होमोजाइगस का मतलब आई ए या फिर आई बी, ऐसा इनमें से कोई नहीं है, या तो आई ए आई है या फिर आई बी आई है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पढ़ेंगे, ऑर्गन डोनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, और जो सिग्निफिकेंस है ब्लड ग्रुप हेरिडिटी वो भी हम लोग करेंगे। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ के तैयार रखिएगा, और आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।